हेलो बच्चों, वी आर इन मोशन इन अ प्लेन चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन, राइट। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल केसेस फॉर वेक्टर एडिशन, राइट। तो देखेंगे किस तरह से अलग अलग वेक्टर अगर डायरेक्शंस में हैं तो उनके क्या स्पेशल केस बन सकते हैं, उनके रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेंगे, उनकी डायरेक्शंस क्या बनेंगी। आइए देखते हैं स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट, if two vectors vector A and vector B are acting in the same direction, right। अगर कोई दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनके बीच की एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगी। क्लियर। हमने ट्राइंगल एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्राइंगल लॉ और पैलोग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर का इक्वेशन फाइंड कर रखा है। क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, इट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर। तो यहां पर देख सकते हैं थीटा कितना है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। तो अगर 0 यहां पर रखेंगे, राइट, थीटा की जगह में, तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। व्हाट इज कॉस 0? कॉस 0 इज 1, सो दिस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओनली। क्लियर। अब इसका एक्सपेंशन क्या होगा, आप देख सकते हैं, यहां पर मैं लिखूंगा इट इज रूट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि एक फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, व्हिच इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, इट इज ए प्लस बी। क्लियर। अब यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर इज द एडिशन ऑफ बोथ द मैग्नीट्यूड, एडिशन ऑफ बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्लियर, दोनों के मैग्नीट्यूड को हम ऐड करते हैं तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, और इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओनली। मतलब जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर हैं उसी डायरेक्शन में मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। क्लियर। तो ये हुआ हमारे लिए पहला केस। ओके, सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस इज इफ टू vectors that is vector A and vector B are acting in mutually opposite direction, mutually opposite direction का मतलब अगर एक वेक्टर ये A है यहां पर, तो इस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन पर है ये वेक्टर, राइट इसी तरह दूसरा वेक्टर, सपोज वेक्टर ए यहां पर है, तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये दोनों क्या हुए, म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों ही केसेस में थीटा एंगल कितना आने वाला है, इट इज 180। कैसे होगा, अगर आप इनको कॉमन पॉइंट से रखेंगे, जैसे सपोज यहां पर मैं वेक्टर ए को रख दूं, ठीक है, विच इज अ कॉमन पॉइंट इज ओ, और दूसरा वेक्टर को उठाकर रखू तो विच इज वेक्टर बी, तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180, राइट। तो थीटा होगा 180। अब रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वेशन r इज इक्वल टू इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। थीटा की वैल्यू कितनी है, 180, सो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। What is cos 180? Cos 180 कितना होता है, इट इज -1। क्लियर, सो इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। अब अगेन ये फॉर्मूला बन गया, देख सकते हैं आप, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इट इज रूट ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, रिजल्टेंट वेक्टर इज a माइनस b, राइट। असल में a माइनस बी क्या है, तो a माइनस बी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इट इज वेक्टर a प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है। क्लियर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर। याद रखिए आप, रिजल्टेंट वेक्टर is the positive difference of the magnitude of two vectors A and B and the direction of this vector, इसकी direction क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी? The direction of this vector is in the direction of bigger vector। मान लीजिए कि यहां पर हम इस vector A को bigger vector लेते हैं, right? Vector A bigger vector है, तो इनका resultant जो आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर सपोज ये आ रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर ही आएगा। क्लियर? तो ये हुआ हमारे लिए सेकंड केस व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन। ओके, थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस को थर्ड केस इज व्हेन two vectors are acting in right angle to each other। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से राइट एंगल पर होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? θ = 90। क्लियर? तब हम क्या लिख सकेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर R = A² + B² + 2AB cos θ। थीटा कितना है? 90। तो इट इज √A² + B² + 2AB cos 90। cos 90 कितना होता है? 0 होता है ना। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? √A² + B² ओनली। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? ओके, आइए डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन इज tan बीटा, फॉर्मूला वी नो, इट इज B sin θ / A + B cos θ, राइट? cos थीटा। थीटा एंगल कितना है यहां पर हमारे पास? 90 है ना, तो यहां पर 90 रखेंगे। तो इट इज B sin 90 / A + B cos 90। सो दिस विल बी sin 90 इज 1, सो इट इज हियर B ओनली। A + नाउ cos 90 इज 0, सो इट इज 0, सो सिंपली इट इज B/A, इट इज B/A। दिस इज व्हाट tan β = क्लियर? तो डायरेक्शन मिल जाएगा ना हमें यहां से। तो ये थे स्पेशल केसेस फॉर वेक्टर एडिशन। क्लियर? थैंक यू।